पोरबंदर जिला का रहने वाला था, फिर अब तो जामनगर में हिजरत करके आया हूं वहां से 2078 में। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। और मेरा मोबाइल नंबर है 94277 94 277 आगे 942777 942777 94777 नहीं नहीं मेरा बात सुनो सर, मैं एक बार ना 942777 94277 सेवन फाइव बाद में 095 095 ओके। नाम फिर से जी कुछ और यहाँ पर नाम नाम फिर से बताओ आपका नाम। मेरा नाम अमित भाई मेहर है। ओके नंबर फिर से बोलो सर, नंबर छोटा नंबर फिर से 9 4 2 4 7 5 0 9 5 5 ओके आप अभी आपका अनुभव बताइए। की उम्र से मेरे को डायबिटीज आ गया था, जब डायबिटीज मेरे को आया तब मेरा उम्र 42 साल का था, और 42 साल की उम्र में मेरे को डायबिटीज आ गया था। 7 साल दवाई लिया, कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। डॉक्टर के पास 2 दिन 3 दिन के बाद जाता रहता था, मगर एक पॉइंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था डायबिटीज। और दवाई लेके थक गया था, उसी में चौहान साहब का और मेरा मुलाकात हुआ 2003 में। और 2003 में मेरा डायबिटीज था, और एनडीएस मैंने शुरू किया चौहान साहब का आग्रह में। उसी तक तो 8-9 साल मैंने दवाई लिया था, मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ऐसे डूबते ही जाता रहता था दर्द में। पहले डायबिटीज आया, फिर बाद में थायराइड आया, फिर बीपी आया, और फेफड़े का टीबी हुआ। वो सब मेरे को हो गया था, परेशान बहुत करता था। जो लोग दिखता था कि भाई मेरे को देखने के लिए आता था, तो वो बोलता था कि ये 15-20 दिन अभी तो महीना दिन जी, 1 महीने के लिए दिएगा, फिर बाद में चला जाएगा भगवान के पास। ऐसा कंडीशन हो गया था मेरा। और ऐसे में 2003 में मार्च में मेरे को चौहान साहब का मुलाकात हुआ। चौहान साहब मेरा फार्म हाउस के ऊपर आके बोला कि भाई ये आप ये सिस्टम में आ जाओ, आपका जिंदगी बन जाएगा। मैं बोला सर मैं दवाई लेके थक गया हूँ, मेरे को एक पॉइंट का भी फर्क नहीं पड़ा, तो इससे क्या फर्क होगा खाना छोड़ने से। मेरे को ऐसा लगा कि चलो ट्राई तो करूं, और लास्ट जिंदगी है, लास्ट स्टेज में था, तो मैंने बोला चलो करूं। चौहान साहब का कहना माना 3 घंटे के बाद, 3-4 घंटा मेरे को समझाया, और 3-4 घंटे के बाद मेरे मगज में थोड़ा दिमाग में उतरा कि ये करने जैसा है, मरने वाला तो हूं मगर कर लू, चलो लास्ट ये लास्ट है। तो लास्ट ट्राई किया मैंने, वो शुरू किया 2003 मार्च में एनडीएस। तो एक हफ्ता हो गया, भोजन भोजन कुछ करता नहीं था, बस टमाटर और गोभी का पत्ता खाता था। शाम को भी साहब ने किया था कि शाम को भी ऐसा करो तो जल्दी भी मिल जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है करूंगा, किया वो किया। 15 दिन हुआ, शाम को मैं विनंती करने लगता था, शाम को मैं बार बार बोलता था साहब 1 दिन खाने का मेरे को छुट्टी दे दो, 1 बार खा लो फिर बाद में। साहब बोलते थे कि नहीं खा लो, मैं आपको कहां प्रेशर करता हूँ, आपका इच्छा, आपको अच्छा हो जाए तो अच्छा होना है तो ये करो, नहीं तो छोड़ दो। मैं ना नहीं बोल
फिर 4-5 महीना हो गया, कुछ पक्का हुआ भोजन खाया नहीं था, तो मेरा डायबिटीज तो 1 महीना दिन में नॉर्मल हो गया था। तो मैंने 3 महीने के बाद जांच करवाया तो डॉक्टर बोला आपने क्या कमाल किया यार, आपका शरीर के ऊपर कोई जादू किया, आपने तो डायबिटीज को छुटा कर दिया आपने डायबिटीज। मैं बोला ठीक है चलो। तो मेरे को ऐसा फायदा लगा कि भाई मेरा शरीर में कुछ शक्ति आ रहा, मेरे को इससे फायदा तो है। शरीर घटने लगता था, शरीर घट घट के मेरा पहले डायबिटीज था तब 95 kg वेट था मेरा, और इसके बाद वजन वेट मेरा घट 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 के 45 किलो पे आ गया था खाना छोड़ने के बाद। मगर मेरा बदन में फुर्ती आ रहा था, मेरे को ये वेट मेरा घटता था उससे मेरे को कुछ नुकसान नहीं होता था। मैं बोला भाई शरीर में कुछ नुकसान नहीं है, बदन में शक्ति लगता है, ताजगी आता है, तो इसको शुरू रखो। शुरू रखा 4-5 महीना, और 4-5 महीने के बाद मेरा डायबिटीज तो बिल्कुल चला गया। फिर एक टाइम खाने का शुरू किया, एक टाइम खाने के बाद मेरे को कुछ आता नहीं था, डायबिटीज मेरा 90 से 113 के बीच आता था, 90 और 113 था। खाने से पहले 90 आता था और भोजन कर शाम को भोजन करने के बाद 113-115 आता, 14-15 बस इतने में रहता था। मैं शाम को लड्डू भी खा सकता था, मेरे को डायबिटीज जब तक रहा तब मैं फल भी नहीं खा सकता था, आदमी और लड्डू भी खा सकता था। कितना नवाई का बात है, आपको नवाई लगता भाई, ये तो करामत है, कोई कुदरत का। भगवान ने मेरे ऊपर मेहरबानी किया, चौहान साहब का मैं हर गुण हर घंटे याद करता हूँ, पूरा दिन रात आज भी याद करता हूँ। चौहान साहब ने मेरे को नया दिन जीवन बख्शा और नई जिंदगी दिलाई भगवान के पास। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 2003 से आज दिन तक, मैंने कभी डायबिटीज का दवा नहीं लिया। मैंने ये 2003 से शुरू किया है, उसी टाइम में आज दिन तक मैं कोई भी प्रोग्राम होता है कहीं शादी शुदी में जाता हूँ तो मैं दिन को भोजन कभी भी कोई भी जगह नहीं लेता, बस खाली ऐसे ही मुंह दिखा के हाजिरी दे के चला आता। तो आज भी मैं शाम को एक टाइम भोजन लेता हूँ और दिन में मैं कच्चा ही खाता हूँ, कोई जूस है सलाद है वो लेता हूँ दोपहर में, और शाम को एक टाइम भोजन लेता हूँ। मेरे शरीर में बहुत ताजगी है, मेरे को बहुत शरीर मेरा ताजगी वाला लगता है, शक्ति आता है, कहाँ से शक्ति आता है वो मेरे को भी मालूम नहीं होता है, मेरा शरीर में ताजगी ताजगी रहता है। बाइक के ऊपर 200 किलोमीटर आज मैं काट सकता हूँ बाइक के ऊपर, इतना ताजगी है मेरे शरीर में, हलना चलना जाना आना कोई भी जगह तकलीफ नहीं पड़ता मेरे को। पहले तो मैं चल भी नहीं सकता था, मेरे बाइक चलाने का भी छोड़ दिया था मैंने, और आज मैं इतना 70 और 71 साल का उम्र है तो अभी आज मैं सशक्त हूँ, अशक्त नहीं हूँ बिल्कुल। ये सब चौहान साहब की वजह से, और चौहान साहब को मैं हर बार और भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि साहब का लंबा आयुष्य दे, क्योंकि लंबा आयुष्य साहब रहेगा तो साहब कितने रोग को सही कर ले। इसके लिए मैं साहब को हर घड़ी हर पल हर घड़ी में साहब को जिंदगी का मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ, लंबा आयुष्य मांगता हूँ साहब के लिए। आज कितना हो रहा है, आज वजन कितना है? आज वजन मेरा है 73 किलो। अच्छा, 76-73। हाँ, नहीं तो लोग डरते हैं कि क्या हो गया था, वजन का लेवल सर आ गया है मेरे को। तो वो वजन तो इसका वो एनडीएस करने के बाद जो आपका जितना वजन का जो सेटलमेंट होता है ना वो हो जाता है, इसके कुदरती हो जाता है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मेरा है 6.5 फुट। बराबर, तो बहुत अच्छा है, मैं अच्छी तरह से जी सकता हूँ, वो आपकी वजह से था।
ये सब कुछ जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से होता है, वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, दायरे दलीन होता है। मदन साहब निमित्त आप हो, आपने मेरे को बताया को बनाएंगे भगवान, निमित्त आप हो, भगवान ने बनाया मेरे को अच्छा कर दिया, फिर भगवान ने दिया आपका, मगर आपने रास्ता आपको आपने दिखाया कि भाई ये रास्ते पर चलो आपको बनता नहीं लगेगा। वो तो हर पांव में हर बगले पे मेरे को घंटा ही घंटा लगता था, वो घंटा निकल गया। अब किसी को कोई सवाल अमीर भाई से करना है, कोई किसी को ओके अमीर भाई कोई सवाल नहीं करने चाहते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से। आपने जो जानकारी दी इससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, उत्साह प्रेरणा मिलेगा, यहाँ जो सुनते हैं वो और बाद में यूट्यूब पे सारी दुनिया सुनेगी सभी को, तो सभी के ओर से आपको धन्यवाद और आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। थैंक यू सर। ओके और कोई सवाल? किसी को कोई सवाल? ऑप्शन ऑप्शन होता है ना हर्रा जी। हाँ हर्रा जी।